टाटा की टिगोर ईवी को ग्लोबल एनकैप से क्रैश टेस्ट में 4 स्टार्स मिले हैं। ग्लोबल एनकैप ने पहली बार किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रैश टेस्ट किया है, तो इस मायने से ये टेस्ट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। टाटा टिगोर ईवी को 4 स्टार रेटिंग एडल्ट सेफ्टी के लिए तो मिली ही है, बच्चों की सेफ्टी के लिए भी 4 स्टार्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि ग्लोबल एनकैप ने टिगोर ईवी का बेसिक वेरिएंट टेस्ट किया है, जिसमें 2 एयरबैग्स मिलते हैं। टिगोर ईवी को एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी में कुल 17 में से 12 पॉइंट्स मिले हैं, वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी में कुल 49 में से 37.24 पॉइंट्स मिले हैं। इसके साथ ही ग्लोबल एनकैप ने एडल्ट और चाइल्ड पैसेंजर के हेड और चेस्ट प्रोटेक्शन के लिए गुड और ड्राइवर के लिए इसे एडिक्वेट रेट किया है, लेकिन इसके बॉडी शेल और फुटवेल एरिया को अनस्टेबल डिक्लेयर किया है। ग्लोबल एनकैप का कहना है कि टिगोर ईवी की सेफ्टी रेटिंग बढ़ सकती है अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल या फिर ESC, साइड इंपैक्ट प्रोटेक्शन, सभी सीटों पर 3-पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स एज स्टैंडर्ड दिए जाएं। फिलहाल सेकेंड रो की सेंटर सीट पर 3-पॉइंट सीट बेल्ट नहीं मिलती है। हाँ, टिगोर ईवी के टॉप वेरियंट में कम से कम ESC मिल जाता है। टाटा मोटर्स ने नई टिगोर ईवी अब लॉन्च कर दी है, जिसकी कीमत 12 लाख के आसपास से शुरू होती है और जाती है 13,14,000 तक। इसकी डिटेल फर्स्ट लुक वीडियो हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। नई टिगोर ईवी में 26 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है, जिससे इसकी रेंज पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है, 306 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। नेक्सॉन ईवी की तरह ही इसमें भी टाटा मोटर्स की जिप्ट्रॉन पावर ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है, बट नंबर्स नेक्सॉन के मुकाबले कम हैं। 75 HP की पीक पावर और 170 Nm का टॉर्क या फिर पुलिंग पावर प्रोड्यूस करती है। अगर आप एक ईवी खरीदना चाहते हैं तो आपकी ऑप्शन लिस्ट में टाटा टिगोर ईवी भी ऐड हो गई है। हम बहुत जल्द ही व्हाट कार इंडिया पर आपके लिए इसका फुल रिव्यू भी लेकर आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड टू व्हाट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स।